सिंगरौली में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर 40 दिवसीय अस्मिता यात्रा निकाली है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा है कि विंध्य प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं हैं। विंध्य प्रदेश की अनदेखी के चलते युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर हैं। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी सहित विंध्य क्षेत्र के कई बड़े नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर विंध्य प्रदेश की मांग रखी है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने एक बार फिर विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा है कि विंध्य क्षेत्र के लोगों की अनदेखी की जा रही है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने पृथक विंध्य प्रदेश के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन दुर्भाग्य है इसके बाद भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, सिंगरौली में कई कारखाने और रोजगार के स्रोत हैं, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं होने के चलते यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। पूरे विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सिंगरौली जिले के राजस्व की वजह से पूरे प्रदेश का एक तिहाई खर्च चल रहा है। उन्होंने कहा, विंध्य प्रदेश जैसे ही बनेगा इंदौर की तर्ज पर सिंगरौली को आर्थिक राजधानी के रूप में बनाया जाएगा। इसके लिए 40 दिवसीय जन अस्मिता यात्रा निकाली गई है। विंध्य को विकास की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा और उनके साथ सदैव धोखा होगा। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं करता कि मैं लड़ूंगा जब हमारे विंध्य की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे विंध्य ही नहीं, भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा। मध्य प्रदेश की वंश सरकार चल रही है, पर हमारे विंध्य प्रदेश की रूपरेखा बन रही है कि अब जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में, और राजधानी है, उपराजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है। इसी तरह से जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।